हेलो फ्रेंड्स, माओ किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्विक बनने वाली और स्वादिष्ट और साथ में सेहत के लिए फायदेमंद रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी छेना की भुर्जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, छेना बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए, तो आज मैं आप लोगों को छेना की भुर्जी बना के दिखाती हूँ, और वो भी बहुत कम समय में और बहुत कम मसालों के साथ एक स्वादिष्ट छेना की भुर्जी मैं बना के दिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। छेना की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम छेना। मैंने दूध को फाड़ करके छेना निकाल लिया था, ये फ्रेश छेना है। और साथ में इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ में यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक भी लिया है और 1/4 छोटी चम्मच जीरा लिया है मैंने छौंक डालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए चला दिया था, और ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 चम्मच तेल, अब तेल को थोड़ा हम लोग गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी साबुत जीरा, जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीरा थोड़ा ब्राउन हो गया है, इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्च, और साथ में हमारे बारीक कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे। और इसे चलाते हैं, हम लोग 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है, प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्याज थोड़े नरम हो गए हैं, अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारे मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को भी, और इन्हें चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि हमारा मिर्च और हल्दी पाउडर थोड़ा पक जाए। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गए हैं और ये हमारा मिर्च और हल्दी पाउडर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है प्याज के साथ। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे बारीक कटे हुए टमाटर को भी। यहाँ पे मैं ज़्यादा मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ना यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट भी नहीं डाला है मैंने, और ना ही कोई धनिया पाउडर या जीरा पाउडर कुछ भी मैंने नहीं डाला है यहाँ पे। तो बिल्कुल ही कम मसालों के साथ सिर्फ बनाऊंगी मैं, और फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है जब हमें ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन नहीं करता है, और ये छेना की भुर्जी बस थोड़े से मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और आप इसे इस तरह से बना के खा सकते हैं जब स्पाइसी खाने का मन ना करे। तो इसे मैं यहाँ पे मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अब टमाटर को हम लोग 2-3 मिनट तक गलने देंगे प्याज के साथ। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से जल गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे छेना को, इसमें ऐड कर दूंगी मैं, और चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इससे पहले हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ। फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गए हैं और मैंने छेना को प्याज और टमाटर के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे लास्ट में ऐड कर दूंगी हमारी काली मिर्च पाउडर को, और साथ में नमक, नमक मैंने नहीं डाला था,
इसे इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम लोग गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देंगे। अभी मैंने मीडियम पे ही फ्राई कर रही थी, लो टू मीडियम पे कर देंगे गैस की फ्लेम को और एक बर्तन से ढक के हम लोग इसे 2-3 मिनट और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट तक और पका लिया है छेना भुर्जी को। अभी हमारी छेना भुर्जी रेडी है। हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद हम लोग इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब मैंने धनिया पत्ती को भी मिला दिया अच्छी तरह से छेना भुर्जी में। अभी छेना भुर्जी सर्व करने के लिए रेडी है। तो हम लोग इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्वादिष्ट छेना की भुर्जी रेडी है। मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लोगों ने देखा, बिल्कुल कम मसालों के साथ और बिल्कुल कम टाइम में स्वादिष्ट छेना की भुर्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से छेना की भुर्जी बनाइए और गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कीजिए। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।